हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं, सेमी जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं और मिनी जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज जैकपॉट मैच, व्हाट इज सेमी जैकपॉट एंड व्हाट इज मिनी जैकपॉट। गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा कि मैच जैकपॉट हो गया, बड़ी टीम ने छोटी टीम को हरा दिया या छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया, कई अंतरों से हरा दिया। तो जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं, सेमी जैकपॉट क्या होते हैं और मिनी जैकपॉट क्या होते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या चीजें होती है मैच में, मैं बताऊं आपको फ्री में। देखिए, ये सारे तीनों जो शब्द है कहां पर यूज होंगे, T20 मैचेस के लिए, T10 फॉर्मेट के लिए, ODI टेस्ट मैच और लीग। दुनिया की कोई सी भी लीग हो, जैकपॉट, सेमी जैकपॉट और मिनी जैकपॉट, ये तीनों आपको मिलेंगे जरूर। वर्ड कई बार आपने देखा होगा कि जैकपॉट उड़ गया, मतलब कि व्यक्ति ने बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया, क्या हो गया, बताऊंगा जैकपॉट क्या होता है, सेमी जैकपॉट और मिनी जैकपॉट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूं कि जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी बड़ी टीम छोटी टीम से हार जाए, कोई भी बड़ी टीम, जैसे मान लो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का अगर मैच होता है, इंडिया अगर हार जाती है तो वो मैच होगा जैकपॉट, क्योंकि हर कोई जीतेगा। इंडिया को कम बॉल पर बहुत ज्यादा रन चाहिए हो, अगर कम बॉल पर मान लो कि 40 बॉल पर 110 रन 120 रन चाहिए, तो सभी को क्या लगेगा कि ये मैच तो हार गई है बैटिंग टीम, पर अगर वो वहां से जीत जाती है तो वो मैच होता है जैकपॉट, क्योंकि सभी की उम्मीदें होती है बॉलिंग टीम पर। क्या एग्जाम्पल है, 40 बॉल पर 120 रन के आसपास। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी तक देखोगे तो सब समझ में आएगा। कम बॉल पर बहुत ज्यादा रन चाहिए हो पर विकेट बहुत कम बचे हो। देखो, कम बॉल पर ज्यादा रन भी चाहिए, मान लो 15 बॉल पर रन चाहिए 40, ज्यादा ही है, 12 के ऊपर का रन रेट है, विकेट सिर्फ बचे हो 4 या फिर 3, तो दोस्तों सभी को लगेगा कि बॉलिंग टीम जीतेगी और यही से होता है मैच का पलटवार और जीत जाती है बैटिंग टीम, मतलब कि फूट जाता है जैकपॉट। जिसने बैटिंग टीम पर प्रॉफिट लेना होता है वो कमा लेता है अच्छा खासा। चौथा पॉइंट, कोई भी छोटा खिलाड़ी रन मार के मैच जीता जाए, जैसे रिंकू सिंह ने एक ओवर में 5 छक्के मार के मैच जिताया था आईपीएल में और बड़े खिलाड़ी बने। दोस्तों, रिंकू सिंह ने क्या किया था आईपीएल में, छोटा नाम है, छोटा खिलाड़ी है, रन मार के मैच जीता जाता है। सभी को उम्मीद थी कि अरे यार कोई बन रहेगा 30 रन 34 रन, कैसे छक्के मारे, 1 2 3 4 5 छक्के मार के मैच जिताया और बड़ा खिलाड़ी बना, छोटा खिलाड़ी रिंकू सिंह, जैकपॉट फूटा था। जिसने भी बैटिंग टीम पर उस समय लगाया होगा भाई साहब, वो तो क्या ही बताएं आपको। पांचवा पॉइंट, कोई ऑलराउंडर अगर मैच जीता जाए, जैसे रविंद्र जडेजा ने फाइनल आईपीएल में 10 रन मार के मैच जिताया था 2 बॉल पे। दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, कोई भी ऑलराउंडर हो, दुनिया का कोई भी टीम का ऑलराउंडर है, अगर वो मैच जिता देता है, जैसे रविंद्र जडेजा ने फाइनल में 2 बॉल पर 10 रन, ऐसे ही कम बॉल पर ज्यादा रन चाहिए हो, ठीक है, या उम्मीद नहीं हो, आउट ऑफ फॉर्म हो खिलाड़ी, चोटिल हो, घायल हो, लग गई हो, कोई भी ऑलराउंडर अगर मैच जिताता है तो जैकपॉट मैच होता है। दोस्तों लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, जो लेना ले लो। पूरे मैच में एक ही टीम फेवरेट रहे और वो भी मैच हार जाए। दोस्तों आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, कौन सा सन है वो नहीं बताऊंगा, उस फॉर्मेट में क्या हुआ था कि इंडिया पूरे समय फेवरेट रही थी और उसके बाद में इंडिया हार गई थी, तो दुनिया के सारे लोगों ने जितवाया था इंडिया को पर हार गई थी, इंडिया और पाकिस्तान जीत गई थी। आपको अगर याद आ रहा कि कौन सा मैच है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वो जैकपॉट मैच था। कौन सा मैच था, जैकपॉट। जैकपॉट का मतलब होता है अगर उम्मीद न के बराबर हो और वो चीजें हो जाए उसको बोलते जैकपॉट मैच या फिर बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेमी जैकपॉट। सेमी जैकपॉट मतलब कि कम प्रॉफिट होता, तो ये भी बहुत तगड़ा है। जैकपॉट और सेमी जैकपॉट दोनों तगड़ी चीज होती है। चलो, जिसमें दोनों टीमें फेवरेट आ जाए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि इंडिया का मैच चल रहा है पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट आ गई है एक लिमिट तक और उसके बाद न्यूजीलैंड भी फेवरेट आ गई है, दोनों टीमें फेवरेट आ गई है, तो सेमी जैकपॉट होता है। कोई इंसान दोनों को टीम को जिता देगा, कोई इसको भी जीतेगा उसको भी जीतेगा, दोनों साइड प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं गली। गली क्या होती है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। चलो, दोनों टीम फेवरेट आ जाए सेमी जैकपॉट,
जिसमें हर ओवर में रन आए और अगले ओवर में विकेट आए, मतलब कि एक ओवर में 20 रन आ गए, एक ओवर में 14 रन आ गए, अगले ओवर में दो विकेट गिर गए। तो दोनों टीमें पलट रही हैं अभी, एक ओवर में दो छक्के मार दिए, अगले ओवर में विकेट आ जाए। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो मैच रहता है सेमी जैकपॉट। दोस्तों ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, वीडियो आखिरी तक देखो, मिनी जैकपॉट तक सारी चीजें बताऊंगा। वर्ल्ड कप से लेकर T20 सीरीज अभी जो आने वाली है, T10 सीरीज सभी में काम आएंगे। बॉलिंग पिच हो, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम कम रन पर आउट हो जाए, अगर बॉलिंग पिच हो दोस्तों, ठीक है, और फर्स्ट बैटिंग जो करने वाली टीम है स्ट्रॉन्ग टीम हो और वो कम रन पर आउट हो जाए, मान लो कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, बॉलिंग पिच हो, और जो फर्स्ट बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया वो कम रन पर अगर आउट हो जाए, तो इस तरह का मैच भी सेमी जैकपॉट कहलाएगा। चौथा पॉइंट है, 6 नंबर का बैट्समैन आकर मैच जीता जाए। ऐसा कई बार होता है आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि 6वें नंबर पर कभी पोलार्ड उतरते हैं, आकर मैच जीता देते हैं। 30 बॉल पे 70 रन चाहिए या फिर ज्यादा रन चाहिए कम बॉलों पर, तो 6वें नंबर का जो बैट्समैन आता है वो मैच को जिता देता है, वो बन जाता है सेमी जैकपॉट। वो सेमी जैकपॉट क्यों बन जाता है, क्योंकि जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के बैट्समैन है कुछ रन बनाकर जाते हैं तो उम्मीद खत्म हो जाती है कि यार अब ये 6वें नंबर का क्या मैच जिताएगा, पर जब ये आके मैच जिताते हैं तो सेमी जैकपॉट बन जाता है। पांचवा पॉइंट, 5 विकेट जल्दी गिर जाए पर 6ठा विकेट ना गिरे और मैच खत्म हो जाए। देखिए अगर 5 विकेट जल्दी गिर जाए, वही मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ODI की बात करते हैं तो 301 रन का अगर स्कोर चेस कर रहे हैं और शुरू के 5 विकेट अगर गिर जाते हैं करीबन 180 या 200 रन पर और फिर 6ठे विकेट की साझेदारी हो जाए, 6ठा विकेट नहीं गिरे और वहीं से मैच को जीता ले दे, तो वो होता है सेमी जैकपॉट। महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार इस तरह के मैचेस को जिताया है, आपने देखा होगा। अब बात करते हैं मिनी जैकपॉट क्या होता है। मिनी जैकपॉट छोटा सा कम प्रॉफिट वाला, शुरू के 4 ओवर में ही फेवरेट टीम नॉन फेवरेट बन गई हो, कोई भी फेवरेट टीम हो, कोई भी हो, चाहे ODI में, टेस्ट में, T20 में, T10 में, नॉन फेवरेट अगर बन गई है वो 4 ओवर के बाद में, तो इस तरह का मिनी जैकपॉट होता है। मतलब कि पहले तो लोग उसको जिताएंगे फेवरेट को, उसके बाद नॉन फेवरेट को जिताने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फेवरेट टीम ने नॉन फेवरेट टीम को कम रन पर आउट किया, जैसे कि 20 ओवर के गेम में 105 रन पर अलाउट कर दिया हो और कम ओवर में चेस कर लिया हो, जैसे या 12 या 13 ओवर में। दोस्तों अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी मैच चल रहा है, एक एग्जांपल बताता हूं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का अगर मैच चल रहा है, अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को 20 ओवर के गेम में क्या करा, 105 रन पर अलाउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि 12 या 13 ओवर में ही उसको चेस कर लिया और फेवरेट भी अफगानिस्तानी थी, तो इस तरह का मैच मिनी जैकपॉट रहता है। ज्यादा कुछ रहता नहीं है वहां पर, क्योंकि सभी को पता रहता है 105 रन तो ऐसे ही चेस कर लेगी वो, पर ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी चेस कर देते हैं, यहाँ पर अंतर है, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं देते हैं और 12 या 13 ओवर में ही चेस कर देते हैं। चलो पूरे मैच में एक ही टीम फेवरेट रहे और आखिरी में बॉलर का चोटिल होना और मैच हार जाना, मतलब कि मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है और एक ओवर में करीबन चाहिए 10 रन या 11 रन, ठीक है, इंडिया के अभी सारे बैट्समैन चल रहे हैं। अब मान लो कि ब्रेटली बॉलिंग डाल रहे हैं, एकदम से पहली बॉल उन्होंने डाली और स्ट्रेट मारा सचिन तेंदुलकर ने और ब्रेटली को लग गई हाथ में कहीं पर, अब वो बॉलिंग नहीं डाल सकते तो उनकी जगह दूसरे बॉलर को बुलाना पड़ेगा। अब वो तो की बॉलर थे ब्रेटली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देते सबास कि अरे यार जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया, 9-10 रन चाहिए, पहली बॉल भी डॉट निकल गई है, पर जब वो खिलाड़ी घायल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा बॉलर आता है और वो फूटे खाता है, तो जीता हुआ मैच वहां से हार जाते हैं वो, मतलब कि जीता हुआ पूरा मैच हाथ में है, वहां से हार जाते हैं। इस तरह का मैचेस जैकपॉट नहीं होता है, मिनी जैकपॉट होता है, ठीक है। अब मिनी जैकपॉट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टीम तो पलट गई ना, इसीलिए। चौथा पॉइंट, फेवरेट टीम हर 2 ओवर के बाद नॉन फेवरेट आ जाए, फिर फेवरेट आ जाए और फिर मैच जीत जाए। देखिए फेवरेट जो टीम है अभी, ठीक है,
कोई भी मैच चल रहा हो, ओडीआई चल रहा हो, टेस्ट चल रहा हो, फेवरेट टीम जो है अभी, ठीक है, वो हर दो ओवर के बाद में नॉन फेवरेट आ जाए, मतलब कि शुरू विकेट नहीं जाए, अच्छा खेल रही है, एक ओवर में 12 रन आ जाए, दूसरे ओवर डॉट आ गया 3 रन 4 रन, तो सामने वाले की टीम क्या आ जाएगी, फेवरेट आ जाएगी, है ना, मतलब जो फेवरेट टीम है वो क्या आ गई, नॉन फेवरेट आ गई। उसके बाद में फिर तीसरे ओवर में 2 छक्के मार दे, है ना, फिर से वो फेवरेट आ जाए, ठीक है, और मैच भी जीत जाए, अच्छा खासा रन बना के मैच जीत जाए, तो उस तरह के मैचेस होते हैं मिनी जैकपॉट। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, सेमी जैकपॉट क्या होते हैं, जैकपॉट मैचेस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये था आपको कमाने का जरिया, मैंने आपको बता दिया है कि जैकपॉट, सेमी जैकपॉट और मिनी जैकपॉट क्या होते हैं। दोस्तों इस प्रेडिक्शन का कहीं गलत यूज नहीं करना है, मैचेस को समझने के लिए कि किस तरह का ये मैच हो सकता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी को, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।